मुंबई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दो घंटे चली इस कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों पर समीक्षा हुई। सभी ने अपने मन की बात रखी। देवेंद्र फडणवीस ने भी खामियां गिनाई, लेकिन उन्होंने मीटिंग में बैठे नेताओं को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उनके मन में क्या चल रहा है। और बैठक के बाद मीडिया के सामने उन्होंने प्रदेश में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से निकलने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में डिबेकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे। मैं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की विनती करना चाहता हूँ कि मुझे सरकार से मुक्त किया जाए और पार्टी के लिए पूरा समय काम करने का मौका मिले, ताकि जो भी कुछ कमियां रही हैं उसे पूरा करने के लिए जरूरी समय मिल सके। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से हड़कंप मचना स्वाभाविक था। आनंद फानंद में फिर से बीजेपी के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर बताया कि फडणवीस ने यह बयान भावनाओं में बह कर दिया है और उनसे सरकार में रहकर पार्टी का काम करने की अपील की गई है। उस कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने ये मंशा व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा, लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे, हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में रहकर ही हमारे साथ चार दिन संगठन को दे सकते हैं और हमारा यही सबको आग्रह है कि वो सरकार में रहकर हमको चार दिन पांच दिन पूरा दे। और रूप में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और सभी की राय है कि वो सरकार में रह के अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन में भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनसे उनकी ये जो मंशा है और ये जो भावना है उनकी व्यक्तिगत भावना है, कोर ग्रुप इससे सहमत नहीं। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फडणवीस का बचाव करते हुए कहा कि हार के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की होगी, लेकिन जरूर मेरे सहयोगी वो है, उनसे मैं जरूर बात करूंगा। हमने टीम एज ए टीम काम किया है। कई चुनाव में हार जीत होती है, अभी ये चुनाव में ज़्यादा जगह इंडिया अलायंस को जरूर मिले हैं, लेकिन उसके कारण क्या है उसकी कारण मीमांसा करेंगे हम। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत से उत्साहित विपक्ष को फडणवीस पर तंज कसने का मौका मिल गया। सर, हो सकता है कि ढाई साल पहले की मंशा जो थी सीएम वो फिर से जागरूक हो गई होगी, इसी को मद्देनजर उन्होंने बोला होगा। पार्टी के अंतर्गत मामला है, निर्णय क्या लेना नहीं लेना हाईकमान उनके देखेगा। पिछली लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी के 23 सांसद थे, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सांसद चुनकर आए हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 2 घंटे इसकी वजहों पर चर्चा हुई, जिसमें मराठा आरक्षण आंदोलन, एंटी इनकम्बेंसी, किसानों से जुड़ी प्याज और दूसरे कई मुद्दों पर लोगों की नाराजगी को प्रमुख माना गया। इसके साथ ही संविधान बदलने का नैरेटिव बीजेपी के बहुत खिलाफ गया। हालांकि इसके बावजूद पार्टी का मानना है कि हार का नतीजा खराब काम नहीं वोटों का समीकरण ज्यादा है। मसलन महाविकास आघाड़ी को राज्य में 30 सीटें मिली हैं और महायुति को 17, जबकि वोटिंग परसेंटेज देखें तो महायुति को एमवीओ को मिले वोटिंग परसेंटेज से सिर्फ आधा फीसदी कम वोट मिले हैं। एमवीओ को राज्य में 2,50,00,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 2,48,00,000, मतलब सिर्फ 2,00,000 वोट कम मिले हैं। इसी तरह मुंबई में महायुति को एमबीए से 2,00,000 ज्यादा वोट मिले हैं, बावजूद इसके एमवीओ को 4 सीटें मिली हैं और महायुति को सिर्फ 2। लोकसभा चुनाव के इस परिणाम से साफ है कि एमवीए के तीनों घटक दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को एक साथ आने का फायदा मिला है, जबकि बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी तोड़ने का फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। जाहिर है लोकसभा चुनाव के यह परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार के लिए खतरे की घंटी है। मुंबई से अपने सहयोगी सुजाता द्विवेदी और कैमरामैन प्रवीण रोहित और दिनेश मेहमान के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।